अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार सभी भाइयों को। तो दोस्तों, आप लोगों का इसके यूट्यूबर ब्लॉग में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं दोस्तों? तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ यहाँ की न्यू अपडेट दे रहा हूँ कोरोना से लेके, और जो हालात हैं सब के बारे में आप लोगों को बता दूँ। अभी जो दोस्तों यहाँ कोरोना केसेस आ रहे हैं सऊदी अरब में 1300 कुछ आ रहे हैं दोस्तों, जो कि पहले से ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ बता दूँ दोस्तों आप लोगों को कि जो सऊदी अरब में हैं उनके लिए अभी लाजमी हो गया है, कोई भी हो दोस्तों, जैसे यहाँ जो बंदे काम करने आए कोई भी कंट्री से, खाजी वगैरह या सऊदी, सबको यहाँ वैक्सीन दोस्तों अब लाजिम लगवाना है। तो यहाँ की सरकार सबको जल्द से जल्द दोस्तों वैक्सीन, जो कि फ्री में है, कोई पैसा कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, आपके भाई ने भी वैक्सीन को बुकिंग कर ली है, इंशाल्लाह 30 तारीख तक वैक्सीन लग जाएगा और पहला डोज जो है कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा डोज लग जाएगा। और इससे फ़ायदा है कि दोस्तों इससे बहुत छूट मिल रही है, अगर वैक्सीन बंदा लगाया है तो आगे चल के सऊदी अरब में आराम से आ सकता है, क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा अगर वैक्सीन लगा चुका है। अगर जो बंदा आगे चल के वो सऊदी सरकार कुछ नया नियम करेगी तो जैसे मतलब आने के लिए तो क्वारंटाइन लाजमी होना पड़ेगा। अगर आपने जो वैक्सीन यहाँ की सरकार ने बताया है, अगर वो वैक्सीन आप यहाँ या अपने कंट्री में लगवा लेंगे, बाकायदा आपको उसका सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब जानकारी है दोस्तों। और दुबई से जो फ्लाइट है अभी वो 14 दिन के लिए दोस्तों, जो दुबई में आने जाने वाले अभी वो सब पाबंदी है। और अपने इंडिया का भी फ्लाइट पे यहाँ से जो सऊदी लोगों के लिए इजाज़त मिली है कोई कंट्री में जा सकते हैं, तो उसमें अपना इंडिया का दोस्तों नहीं है, वो लोग नहीं जा सकते बिना परमिशन लेके। परमिशन लाजमी यहाँ की सरकार से लेना पड़ेगा अपने देश जाने के लिए, क्योंकि वहाँ कोरोना ज़्यादा है। इसलिए वो जो 20 ममालिक थे उसमें अभी अपना इंडिया भी है दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ के आवाम के लिए छूट दी गई है। जो दूसरी कंट्री में जहाँ कोरोना नहीं है वो वहाँ यहाँ से आराम से जा सकते हैं दूसरी कंट्री में, क्योंकि इनके लिए भी दोस्तों पाबंदी थी, जो कि आप लोगों को पता है यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो लोग भी कहीं दूसरी कंट्री में नहीं जा पा रहे थे ये कोरोना के चलते। अभी सऊदी सरकार ने इजाज़त दे दिया है, बस अपने इंडिया वगैरह में जहाँ कोरोना है वहाँ के लिए अभी फ़िलहाल मना है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। और एक ख़बर और दूँ आप लोगों को, खुशखबरी है, जो एग्ज़िट री एंट्री वाले बंदे हैं जो छुट्टी गए थे दोस्तों, और जिनका वीज़ा पहले नया लगा हुआ था, तो दोस्तों यहाँ की सरकार ने 2 जून तक दोस्तों बढ़ा दिया है, 2 जून तक। हो सकता है बीच में दोस्तों कोई ऑप्शन हो और आप लोगों को आने का चांस हो, तो खुशखबरी है दोस्तों, एग्ज़िट री एंट्री जो छुट्टी गए थे कोरोना के दौर में, जिनकी छुट्टी ख़त्म हो गई है, अकामा ख़त्म हो गया है, वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो दोस्तों यहाँ का सरकार ने सबको 2 जून तक सबकी डेट को बढ़ा दिया है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, और इंशाल्लाह आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों यहाँ आ जाएंगे जो छुट्टी गए हुए हैं। और इधर देखिए दोस्तों, ये मार्केट है, ये देखिए बाहर किस तरह, यहाँ सूप मार्केट बोलते हैं सऊदी अरब में, जो कि बाहर लगाते हैं। और ये बाहर देखिए किस तरह कपड़ा लगा हुआ है, और यहाँ जेंट्स कपड़ा है दोस्तों, ये 40 से 50, 50 से 60 हज़ार तक के एक एक टी शर्ट लोअर ये सब हैं हम लोगों के नाप के दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ बाहर इस तरह दोस्तों सूप मार्केट बोलते हैं, जो सूप का काम यहाँ अरबी में बाहर जो लगाते हैं फुटपाथ पे, तो उसको दोस्तों सूप मार्केट बोलते हैं, तो फुटपाथ मार्केट ही इसको कहते हैं दोस्तों। देखिए किस तरह लोहे पर लगा हुआ है मैदान पर, और ये मार्केट है सूप का। तो दोस्तों कैसा लगा भाई का वीडियो, अच्छा लगा तो जो दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी आगे वीडियो इस तरह का लाता रहता हूँ। और दोस्तों जिन भाइयों को नंबर चाहिए वो मैंने पहले भी बता के रखा है दोस्तों, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इसमें डाल दूँगा, और अबाउट में दोस्तों आपको मिलेगा। तो आप
नंबर को लीजिए और व्हाट्सएप वगैरह पे दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं जो पूछना है मेरे भाइयों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा और आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई जिसको जिसको जो पूछना है दोस्तों, हो सकता है कोई और कोई किसी को कुछ बातें पूछनी हो तो मैं सब आप लोगों तक इंशाल्लाह जो हो सकेगा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों आओ ज़रूर ज़रूर भाई के चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए। वो घंटी जो दबाएंगे तो जैसे ही मैं वीडियो दोस्तों डालूंगा तो उस हिसाब से तुरंत आप लोगों तक यहाँ का वीडियो जो मैं आप लोगों तक तुरंत पहुँचेगा। तो ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जो वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तुरंत आप लोगों तक पहुँचे। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। ओके, शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। ये देख सकते हैं ये यहाँ कपड़ा इस तरह मार्केट लगती है। शुक्रिया, धन्यवाद भाई।